हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ऐसा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे में क्या बनता है आप लोगों को पता होगा। अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज है कि ही कुछ खाना चाहिए, तो आज हम वही बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं, तो चलिए देखिए कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और न्यू ब्लॉग नहीं है, न्यू ब्लॉग ही है, तो न्यू चैनल बोल रही थी तब से। अच्छा, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम इतना आसान रेसिपी बनाने वाले हैं, सैटरडे स्पेशल रेसिपी। तो आप लोग मतलब जो भी हम भी बनाते हैं, मतलब काफ़ी टेस्टी तरीके से, लेकिन आज हम काफ़ी इजी बनाएंगे, लेकिन उसको टेस्टी कैसे बनाना है वो लास्ट में आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। और एक मिनट, शुरू में आपको लगेगा कि हम बहुत यही बनाने वाले हैं, लेकिन लास्ट वाला प्रोसेस आप ज़रूर देखिएगा कि उसको टेस्टी कैसे बनाते हैं। तो चलिए, ये आधा चावल और आधा दाल, दाल में आप कोई भी दाल ले सकते हैं जो आपकी मर्जी। और यहाँ हम आलू को धो करके रख लिए हैं, तो इसको सबसे पहले हम डाल लेते हैं। और अब इसमें पानी डाल देंगे, और ये देखिए यहाँ नमक अपने हिसाब से डालना है, और मिर्ची थोड़ा सा, और हल्दी अंदाज से, और एक चीज और बस, और ये रहा गोलकी पाउडर। थोड़ा सा सरसों तेल, तो सरसों तेल इसमें डालना ज़रूरी है, आधा एक चम्मच जितना आप डालिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि ये गिरेगा नहीं। और लास्ट एक चम्मच, और इसमें एक चम्मच गया सरसों का तेल। इसका ढक्कन देना था, ढक्कन। और अब हम इसको बंद कर देते हैं, और देखिएगा एक सीटी लगाना है बस। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा खाना है तो हाई फ्लेम पर ही दो सीटी लगा लीजिएगा, और लेकिन हम तो एक सीटी में ही बंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा गला हुआ का स्वाद ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा गलाइएगा खिचड़ी को, तो इसका स्वाद ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में देखिएगा मसाला हल्दी नमक डालें, ठीक है, और लास्ट में देखिएगा इसको हम कैसे इतना टेस्टी बना देंगे। और इधर देखिए चाय हम ले आए हैं सब कुछ। तो आप लोगों को बता देते हैं कि जब भी आप लोगों को मतलब आप लोगों को खाना बनाने का मन नहीं करेगा ना, तो ये प्रोसेस ज़रूर अपनाइएगा, काफ़ी आसान है। अब आपको काटना है दो प्याज, दो हरा मिर्च और दो लाल मिर्च। मिर्च अपने अनुसार लीजिएगा, क्योंकि मिर्च अपन सबको ज़्यादा नहीं खाते हैं। कड़ी पत्ता होगा तो कड़ी पत्ता, बस इतना ही। एक चीज़ और बताएंगे लास्ट में कि बिना मसाला का प्लेट। चाय हमारा खोल गया है, सबसे पहले चाय पी लेंगे। हाँ ना, एक दिन पहला दिन कब की थी क्या? तो दोस्तों आप लोग भी एक्सरसाइज जरूर करिएगा, क्योंकि घर बैठने से ना थोड़ा कितना भी काम कर लीजिए आदमी रोगी हो जाता है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी नहीं कर पाते हैं, पहले करते थे। और ये गया इसमें, दूध गर्म है, और यहाँ हम गर्म पानी थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि गर्म पानी ज़रूरी है। और सिंक को पूरा साफ कर दिए हैं साबुन से, तो अभी रख दे रहे हैं। अभी दिखा रहता है तो नहीं रख पाते हैं, लेकिन अभी रख दे रहे हैं। बर्तन धोने के बाद पूरा
और हमें ना ज़्यादा गर्म पानी पीना ही अच्छा लगता है, ठंडा से थोड़ा एलर्जी है, सर वगैरह भारी हो जाता है दोस्तों। तो ये खास करके लेडीज लोग के साथ प्रॉब्लम होता है, ढंग से खाना पीना नहीं खाने का नतीजा है ये सब। बंद करिए, हमारा चाय हो गया, हम इसे कम करके छोड़ दिए थे, तो अब जाते हैं इसे छान लेंगे। और दोस्तों कैमरा को बंद करके छानेंगे क्योंकि ना चाय हमारा गिर जाएगा। और ये पानी चढ़ाते रहें तो ये चाय, जिन्हें जिन्हें चाय पीना है आप लोग पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। चलते हैं अब देने के लिए। तो यहाँ हम चाय दे दिए हैं और अब जा रहे हैं अपने चाय पीने के लिए। और टेस्टी चाय बना है, बहुत टेस्टी। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों हमारा शॉर्ट्स वाला चैनल है, फूड चैनल, लेकिन उसमें अभी तक एक पैसा भी नहीं आया है। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं, और तकरीबन हम 850-900 के करीब हम वीडियो डाल चुके हैं, और जिसमें काफ़ी मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, रेसिपी वाला, एक एक रेसिपी को इंतजाम, मतलब आप उसको अच्छा से दिखाइए, रिप्रेजेंट करना, तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि हम अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट किए हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी मतलब किसी तरह का भी मेहनत करते हैं तो उसका फल तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सब मतलब हमारा जितना भी मेहनत है सारा निरर्थक गया है उसमें अभी तक, और आशा भी नहीं है कि उससे हमको कुछ मिलेगा। आप लोगों को जैसा पता है, अगर आप लोगों को किसी को पता होगा कि उससे पैसा कैसे आता है तो ज़रूर बताइएगा। और इतना मेहनत की है ना कि रोना आता है, तो बस रो नहीं सकते हैं लेकिन रोना आता है, क्या बोले हम। और दोस्तों हमारा सैटरडे स्पेशल डिश बन चुका है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ बाकी है अभी, पता नहीं क्यों खुजली होता है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें अब हम डालते हैं जीरा मिर्चा साथ में, कड़ी पत्ता। यहाँ फ्लेम को हम कम कर दिए, तेज करते रहे। प्याज नहीं, जीरा मिर्चा ये सब लाल हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। और ये बन गया हमारा खिचड़ी, और आलू हम निकाल चुके हैं, और इधर देखिए खिचड़ी को, खिचड़ी में हल्का पानी देकर के थोड़ा सा पतला कर लिए हैं, क्योंकि खिचड़ी ना बाद में काढ़ा हो जाता है, तो ज़्यादा पतला ऐसे है नहीं। और यहाँ देखिए हमारा प्याज भी लाल हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि अच्छा से मिल जाएगा। और हम आपको जो राज बता रहे थे वो राज ये है कि जब खिचड़ी बन जाए ना तो उसमें लास्ट में थोड़ा सा घी डाल दीजिए, और अगर आप केवल हल्दी नमक डालिए, बस प्याज से आप उसको छौंक दीजिए, बस प्याज से, तो उसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल बदल जाता है, क्रीमी टाइप का हो जाता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा मसाला नहीं खाना चाहते हैं ना, तो हल्दी नमक डाल करके और बस उसको प्याज से छौंक दीजिएगा, काफ़ी टेस्टी हो जाता था। देखिए हमारा हो चुका है, थोड़ा सा हम चोखा के लिए रखेंगे, थोड़ा सा खिचड़ी। तो हम लोग थोड़ा मिर्चा ज़्यादा खाते हैं, आप लोग अपने अनुसार खाइएगा। तो देखिए खिचड़ी को छौंक लेते हैं, और हम ढक नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक हाथ में हमारा मोबाइल है जो कि हम वीडियो ले रहे हैं। आप लोग ढक लीजिएगा, स्वाद आएगा। तो बस ये प्याज से ना आपका खाना काफ़ी टेस्टी हो जाएगा। तो अब हम जाते हैं चोखा, वो भी हम चोखा को थोड़ा फ्राई करेंगे। ऊपर से ये सेंधा नमक है, इसको छिट दे रहे हैं हल्का सा,
ये भी एक राज की बात है, क्योंकि इससे भी आपका आप किसी चीज़ में डाल दीजिए, सेंधा नमक सब्जी में या कोई भी चीज़ बनाइए तो स्वाद इसका बढ़ जाता है। तो अब हम इसको ढकते हैं और चलते हैं चोखा बनाने के लिए। तो इसको छील लेते हैं पहले हम। फाइनली हमारा आलू छिला चुका है और हम ना खड़ा खड़ा आलू केवल हाथ से ऐसे तोड़ तोड़ करके हम कढ़ाई में डाल चुके हैं, जो कि हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये खड़ा खड़ा आलू है, इसको हम बस इस तरह से चूर देंगे और इसमें नमक डालें हैं, हल्का सा गोलकी पाउडर, और ये काफ़ी टेस्टी लगता है इस तरह से भुंजा जाने के बाद। ये इस तरह से कभी बना करके आप लोग भी देखिएगा चोखा, काफ़ी टेस्टी लगता है ये वाला। पहली बात की ये तो मतलब दाल में और चावल में पूरे मसाले के साथ ये आलू को हम बॉयल किए थे, इससे इसका टेस्ट बढ़ेगा। और कभी भी आलू को बॉयल करने के बाद इसे धोना नहीं चाहिए, लोग ऐसा करते हैं कि गर्म रहता है तो धो देते हैं, तो इसे धोना नहीं चाहिए आलू को कभी भी। और यहाँ देखिए, और दूसरी बात की अगर आप हाथ से तोड़ के डालिएगा या तो सब्जी हो या चोखा हो तो उसका भी टेस्ट बढ़ जाता है। और तीसरी बात कि इसमें जो पानी रहता है ना, वो अगर आप इसे अच्छी तरह से भूंजिएगा तो इसका पानी सारा सूख जाएगा, तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। जितना आप इसको हल्का सखर करना होगा लाल, तो देखिए लाइट ब्राउन हमारा हो चुका है, तो ये हो गया है अब खाने लायक। आप चाहें तो इसे और अभी भून सकते हैं। इस तरह से अगर सिंघाड़ा में भरिएगा या आलू वाला रोटी जो बनता है उसमें भरिएगा तो उसका भी टेस्ट ये काफ़ी बढ़ा देगा। और उधर हमारा वॉशिंग मशीन का आवाज़ आ रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो अब हम निकाल रहे हैं थोड़ा सा अचार, हल्का सा। चलिए दोस्तों अब जल्दी से खाना निकाल लेते हैं और मेरे साथ आप लोग भी खाइएगा। तो चलिए हमारा गर्मा गर्म खाना बन चुका है, अब हम परोसते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना टेस्टी सारा चीज़ बना है। तो देखिए खिचड़ी थोड़ा सा जम गया है हमारा, अच्छा से मिला लेते हैं इसको। हाँ हाँ ना बन गया। एक मिर्चा खोज रहे हैं हम, मिर्चा कहाँ है पता नहीं। क्या शनिवार है ना आज। और यहाँ देखिए खाना परोसते परोसते हमारा ये कितना अच्छा ये देखिए बन जा गया। आप लोग कभी आइएगा हमारे घर से, फिर से तो ये सादा खिचड़ी हम आपको बना के दिखाएंगे, खिलाएंगे कि कितना टेस्टी लगता है। अचार दे दिए हैं प्लेट में। तो ये रहा हमारा खाना आज का, टेस्टी टेस्टी खाना। दोस्तों एक चीज़ और कि उधर बगल में न्यूज़ चल रहा है तो उसमें डिबेट्स हो रहा है, वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये तीनों ताड़न के अधिकारी। तो इस आज के युग में इसका अर्थ क्या है और आप लोग के अनुसार इसका अर्थ क्या है ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि हम लोगों को तो गुस्सा लगता है ना कि नारी को ताड़न, ताड़न मैंने तो पिटना ही होता है जैसे ढोलक को ढम ढम किए। तो ये चीज़ बताइएगा, और मेरे ख्याल से अभी हम अपना ख्याल नहीं बताएंगे, तो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की कुछ औरतें हैं जो कि वो अभी भी मानती हैं कि ताड़ना ज़रूरी है ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को, नारी को। तो आज अभी भी कुछ औरतें ऐसी हैं, तो आप लोग के अर्थ से हम आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इसका सही अर्थ क्या है, और अपना हम मंतव्य देना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि पहले हम आपका जानना चाह रहे हैं कि आपका मंतव्य क्या है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही अर्थ क्या है। और तो यहीं पर हम अपना ब्लॉग को एंड करते हैं, और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से आपको कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जल्दी से हमारा चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।